प्राचीन यूनान को पश्चिमी सभ्यता का गुरु कहा जाता है। प्राचीन यूनान की परंपराएं, इतिहास, रिवाज, खोज और धर्म ने आज की पश्चिमी सभ्यता की बुनियाद रखी थी। उस समय की बहुत सी चीज़ों की झलक हम आज के पश्चिमी देशों में देख सकते हैं। उस समय की संस्कृति का आज भी पश्चिमी दुनिया पर गहरा असर दिखता है। आज हम आपको इस वीडियो में प्राचीन यूनान के बारे में 8 रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। नंबर 1, प्राचीन यूनान से ली गई है लोकतंत्र की संकल्पना। आज पूरी दुनिया और पश्चिमी देशों में लोकतंत्र का जो स्वरूप दिखता है वह प्राचीन यूनान से लिया गया है। पश्चिमी देशों में जितनी शिद्दत से लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर संघर्ष करते हैं वो उन्हें प्राचीन ग्रीस से विरासत में मिला है। नंबर 2, कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था यूनान। प्राचीन यूनान कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में सरकार और कानून अलग अलग थे पर संस्कृति और रहन सहन एक जैसा था। नंबर 3, भारत के बाद दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था था प्राचीन यूनान उस समय। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान की अर्थव्यवस्था उस समय के भारतवर्ष के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। नंबर 4, 7 साल में ही स्कूल चले जाते थे प्राचीन यूनानी बच्चे। प्राचीन अथीनियन बच्चे 7 साल की उम्र में ही स्कूल चले जाते थे। उस समय सैनिक स्पार्टन लड़कों को उनकी माँ से अलग कर देते थे और दूसरे लड़कों के साथ उन्हें छात्रावास में सैनिकों का परीक्षण देते थे। स्पार्टन पुरुष को अपने परिवार के साथ जीने का कोई हक नहीं दिया जाता था। स्पार्टन पुरुषों को 30 साल की आयु तक सक्रिय रूप से मिलिट्री में काम करना पड़ता था। नंबर 5, बहुत विद्वान थे प्राचीन यूनान के लोग। प्राचीन यूनान में गणित, विज्ञान और कला का बहुत विकास हुआ था। प्राचीन यूनान के कई महान गणितज्ञों पाइथागोरस, यूक्लिड और आर्किमिडीज और उनकी खोजों को आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। नंबर 6, प्राचीन यूनान की आधी आबादी गुलामों की थी। प्राचीन यूनान की 40-50% आबादी गुलामों की थी। उन्हें बाजारों में खुलेआम खरीदा बेचा जाता था। गुलामों को ज़्यादातर नमक के बदले खरीदा जाता था। नंबर 7, ओलंपिक की शुरुआत प्राचीन यूनान से हुई। यूनान का प्राचीन शहर ओलंपिया ही वह शहर है जहां पर 776 ईसा पूर्व में पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नंबर 8, भारत पर हमला करने वाला सिकंदर भी प्राचीन यूनान से ही था। प्राचीन यूनान सिकंदर महान की जन्मभूमि थी। वह मकदूनिया का यूनानी शासक था। वह अलेक्जेंडर 3 और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता था।